हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए, कैसे हो आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए। और मैं पर अभी ठीक नहीं हूँ। तो ये देखिए, मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, जो टाइफाइड फीवर आता है ना, उसके लिए कुछ जड़ी बूटियाँ काढ़ा, ताकि जो भाई बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं टाइफाइड से, बार बार उन्हें टाइफाइड हो जा रहा है, तो ये जड़ी बूटियों का मैं एक रेसिपी टाइप का लेकर आई हूँ, जिससे कि उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर ये वो लगातार पीते हैं 2-2.5 महीने, तो जो फीवर है वो उतना जल्दी जल्दी नहीं आएगा। तो अभी देखिए, मैंने सारी जड़ी बूटियाँ आपको दिखा दी हैं। मुझे नाम नहीं पता है, पर जो जड़ी बूटियाँ हैं उन्हें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कि क्या क्या नाम है इसका, क्योंकि हस्बैंड लाए थे, मुझे नहीं पता था। तो अभी देखिए, मैं जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं बारी बारी से सब इसमें डाल के और सारे का मैं पाउडर बना लूँगी। वैसे पाउडर बनता नहीं है फ्रेंड्स, बस ऐसे ही थोड़ा हमें उसे तोड़ लेना है। और अभी मैं दिखाती हूँ कैसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का जो है ये तैयार हो गया है, पूरी जड़ी बूटी एक साथ मिक्स हो गई है, ये देखिए। और इसका लगातार 21 दिन तक काढ़ा पीना है। जैसे कि अब मैंने ये पाउडर बना लिया है ना, इसको 12 भागों में बांट कर 12 पुड़िया बना लेना है। और जैसे कि एक पुड़िया का काढ़ा एक टाइम बनाएंगे, फिर शाम को उसी जो ये पाउडर रहेगा ना, उसी पाउडर में हम शाम को दोबारा बनाएंगे, 2 टाइम पीना है एक पुड़िए से। तो अभी देखिए, मैंने एक बर्तन में 2 कप पानी लिया है, और एक पुड़िया जो था ना, एक पैकेट में काढ़ा, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसे तब तक खौलाऊँगी जब तक कि पानी 1 कप ना रह जाए। और लास्ट में मैंने गुड़ डाल दिया है, 1 गुड़ छोटा साइज का। और अभी काढ़ा बन गया है, तो इसे मैं छान लेती हूँ, और जब ये थोड़ा हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे पीऊँगी। ज़्यादा गर्म नहीं पीना है इसे, शीत गर्म ही पीना है। और ये काढ़ा फ्रेंड्स बहुत ही हेल्पफुल है, और मैं अभी पीने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा भी जो फीवर है वो बार बार आ जा रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को भी ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, हो सकता है किसी को इससे मदद मिल जाए। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा? प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और ये काढ़ा मैं पीने जा रही हूँ।